अरे भैया लेके जाओगे क्या साथ में? ये ऑल्ट बालाजी को तो साला बंद कर देना चाहिए, विकार शॉर्ट कंटेंट है एकता कपूर। मुंबई का निखिल मेरे ख्याल से जा रहा था, उसका वो चालान कटा उसका ये ब्रिज पे, नी डाउन के चक्कर में पूरी बॉडी डाउन हो गई, तो 12 के भाव में जाना पड़ेगा। तो आज हम लास्ट टाइम में जब कार से गया था मुंबई, तो रास्ता लिया था औरंगाबाद से गंगापुर, जो थोड़ा पुणा हाईवे से, गंगापुर से वैजापुर, वैजापुर से येवला, निफाड, नासिक हाईवे एंड देन मुंबई। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर है और बड़े बड़े, वो बहुत बार औरंगाबाद आए, अलग अलग रास्ते से आए, पर्सनली मैसेज करके बताया, बोले भाई ब्रॉड एंड ब्रॉट ऑफ औरंगाबाद हूँ, अब हर रास्ता पता है, ये रास्ते से जाओ वो रास्ते से जाओ, रिप्लाई भी करते नहीं, बड़े पढ़ा थे मैसेज इसलिए बोल रहा हूँ, बट दिस द वे, अगर आप आ रहे हो औरंगाबाद तो ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो दिस रूट, औरंगाबाद, गंगापुर, वैजापुर, निफाड, येवला, नासिक हाईवे एंड देन यू आर रीचिंग मुंबई। सेम रूट से आप यहाँ पे भी आ सकते, दिस इज बेटर रूट, शॉर्टकट, पूना के हिसाब से कम यू विल से 45-50 किलोमीटर्स एंड प्रोबेबली हाफ एन आवर ऑल्सो मिनिमम, तो वो इस तरीके से आपको बेनिफिट होता है। गंगापुर के लिए जब हम राइट लेते हैं तो उसके बाद आपको सिंगल रूट मिलेगा, बहुत टाइम तक सिंगल रोड ही है, बट ये बहुत अच्छा रोड है एंड यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर, जस्ट है ना, अभी रूरल पार्ट में या जो छोटे मोटे शहरों में टू व्हीलर बहुत यूज़ करते हैं लोग फॉर देयर डे टू डे कम्यूट, लाइक 70-80 किलोमीटर भी डेली चला लेते, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई रैश चलाता है या कोई ऐसा, बट यू नो क्या रहता है, अपने अपने गांव में लोग थोड़ा रिलैक्स चलाते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। और सामने से आने वाले जो रिक्शा टेम्पोज है वो तो हिलते ही नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है, तो बट स्टिल थोड़ा रोड वाइड है तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, ओवरऑल रोड कंडीशन इज़ ब्यूटीफुल, तो मज़ा आएगा ही आएगा आपको चलाने में। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे गंगापुर से एक राइट आएगा, फिर वहां से हम जाएंगे वैजापुर, जो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, एक आधा घंटा भी नहीं, 40 मिनट्स कुछ लगेगा वहां से, 4:20 हो गए थे और हमने सिर्फ 42 किलोमीटर जर्नी कर ली है कम्प्लीट, और उसमें हमने 4:09 तक टाइम ला के रखा है, तो मज़ा आ रहा है, कोई भी ओवर स्पीड नहीं, कुछ नहीं, 110, 120, 125 मैक्स टच किया है, उसके बाद 100-120 में ही गाड़ी घुमा रहे हैं, विच इज़ अ बेस्ट स्पीड आई गेस, जो आपको कंफर्ट भी रहेगा और आप कवर भी करोगे। बहुत ब्यूटीफुल रोड है यार, आई मीन कभी संडे राइड वगैरह भी औरंगाबाद से किया तो ये तो मैं सजेस्ट करूँगा, जो भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं औरंगाबाद से, औरंगाबाद गंगापुर वैजापुर कड़क रोड है एकदम कड़क। अभी गर्मी का मौसम थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है और दिन में आफ्टर टेन ओ क्लॉक थोड़ा सा अच्छा खासा महसूस होता है, बट स्टिल रात में थोड़ा सा चिल रहता है, अर्ली मॉर्निंग भी चिल रहता है, तो मैं निकला, एक्चुअली मुझे निकलना था 6 बजे, बट ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो मैं निकला करीबन 9 बजे, अभी मुझे पहुंचना है, हमारे एक इवेंट है चैनल का, तो वहाँ पे आई हैव टू बी देयर, देखते हैं जैसे पहुँचूँगा फ्रेश अनअप हो के आई विल गो। बहुत बहुत उम्दा लग रहा है और जो फीलिंग्स है अंदर की, बहुत दिनों से लॉन्ग राइड की, वो अभी फिर से पूरी हो गई, बिकॉज जो हमने लास्ट टाइम गोकर्ण किया था उसके बाद देर वॉज नथिंग दैट वी हैव डन लॉन्ग रन। ठीक है, घर पे ही जा रहे हैं, मुंबई है, वही रोड है, बट स्टिल एक चीज़ हमेशा जो अपने जहन में रखनी चाहिए कि आप जर्नी भी एंजॉय कीजिए। हमारे इंडिया में लोग बहुत डेस्टिनेशन सेंट्रिक है, डेस्टिनेशन पे ही फोकस करते हैं, जर्नी पे किसी का फोकस होता नहीं है कि भाई किस तरीके से जर्नी होगी, लुफ्त उठाया जाएगा जर्नी का, ऐसा होता नहीं है, बट सैड पार्ट ऑफ इट, भैया लेके जाओगे कैसा साथ में, कितना बचा यार देखो, 16:30 से 4 o'clock तक ला लिया हमने रीचिंग टाइम इन स्पैन ऑफ 73 किलोमीटर्स, तो
लग तो रहा है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा क्या ब्रेक लेना ही नहीं, बस एक बार पानी पीने या थोड़ा सा धार मारने के लिए रुकेंगे। अरे माँ लगा है। एक नया आसमां आ गए दो दिल जहां, अब हवा भी नहीं। मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कभी कभी, आई ऑलवेज प्रिफर टू वॉच गोविंदा मूवीज, कितने बार भी रहो क्या है जिंदगी में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो यू हैव टू, आप क्या देख रहे हो उसमें मैटर करता है। आज के डेट में लोगों का न्यूज़ देखने का तादाद इतना बढ़ चुका है और उसकी वजह से हर एक जन को अपना ओपिनियन देने का है हर चीज़ में, शान पट्टी बहुत बुरा हो रहा है आई थिंक। और OTT पे कुछ कुछ सीरीज तो अरे बाप, तो मुझे ऐसा लगता है ना लोगों का दिमाग चल नहीं रहा है, नया कैसा क्या बनाए, नया किस तरीके से कुछ क्रिएट करे, इसलिए तो हर चीज़ का सिक्वल होता है, हर चीज़ का यू नो उसी नाम से कुछ ना कुछ होता है। तो लाइफ में नयापन नहीं है अभी, स्पेशली क्रिएटिव इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन सब वही वही हो रहा है, तो उसके वजह से इट्स अ प्रॉब्लम। और इसके वजह से लोगों का फोकस कहानी नहीं और कुछ और हो रहा है। अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट वाली बात हो गई, बट ये तो आप व्यूअर हो, आप हम सब व्यूअर है, हम तो देख ही लेते हैं ना यार, समझ में आता है। तो चूज़ योर कॉन्टेंट वाइजली, जस्ट डोंट वॉच जस्ट हेक ऑफ इट। ये ऑल्ट बालाजी को तो साला बंद कर देना चाहिए, विकार छोट कॉन्टेंट इधर। एकता कपूर, मैं इतना खुश हूँ लास्ट के, इवन इन लॉकडाउन स्पेशली जो मेरा हर तरफ की तो बात मुझे पता नहीं, बट औरंगाबाद या औरंगाबाद के मुंबई के बीच में जो कुछ रास्ते हैं वो इतने अच्छे बने, और वो बाय द वे वो कभी बने नहीं थे इतने सालों में, कभी सिर्फ उससे मरम्मत होती थी ऊपर ऊपर से, जो कुछ रोड बने यार, एंड हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। और ऐसा ही आगे सिलसिला चालू रहा तो भाई हमको तो ऐसा स्वर्ग मिलेगा बाइक रोड ट्रिप के लिए। अरे कहाँ जाए, ये जाए, इधर जाए, ये रोड अच्छा है, वो भी रोड अच्छा है, ऐसा हो जाएगा तो फैंटास्टिक इट इज़, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा देखिए, अभी मैं अच्छे रोड की बात कर रहा हूँ, गंदे रोड पे चला गया बात अलग है, बट ये थोड़ा थोड़ा पैचेस है जहाँ पे भी काम चालू है। अभी आ गए हम येवला, जहाँ की साड़ी बहुत फेमस है, मैं हमेशा मेरे ब्लॉग में बोलता हूँ जब भी मैं औरंगाबाद से मुंबई जाता हूँ, यहाँ की पैठनी साड़ी जो महाराष्ट्रियन कल्चर की एक साड़ी बहुत फेमस है, उस गाँव में हम आ चुके हैं। टोटल हमने कवर कर लिया 112 किलोमीटर, अभी तक हम रुके हैं ही नहीं, और उसके लिए हमें टाइम लगा है कुछ 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। तो उस तरीके से हम जा रहे हैं, 1 किलोमीटर 1 मिनट ये हिसाब रहता है हमेशा, आप डिसेंटली चलाओ तो और यू कैन कवर फास्टर इन दैट। पहुँच चुके हैं नासिक, ज़्यादा ब्रेक ज़्यादा क्या, एक भी ब्रेक लिया नहीं मैंने अभी तक, कंटिन्यूसली आई हैव रिडन अराउंड 200 किलोमीटर्स, और एक बीच में बस एक फ़ोन कॉल आया था उसके लिए रुका मैं, और अभी हम नासिक से गुजर रहे हैं एंड बहुत बढ़िया। आज एक्चुअली ब्रेक ना लेने का कारण है कि मुझे एक जगह जल्दी पहुँचना है, एंड दैट्स वाई इट्स प्रॉबेबली अ मैराथन राइड फॉर मी, और मैराथन राइड कर रहे फटाफट पॉसिबल जितना कवर हो सके उतना कर रहे हैं। मुंबई का निखिल मेरे ख्याल से जा रहा था, उसका वो चालान कटा उसका ये ब्रिज पे। अभी यार साला मैं तो 3-4-5 सालों से इसी ब्रिज से जा रहा हूँ, मेरे को कभी मिला नहीं, अभी पता नहीं नया कुछ रूल निकाला रहेगा या कुछ हुआ रहेगा, तो आई रियली डोंट नो, और होप सो हमें कोई पुलिस वाला रोके नहीं और टाइम बर्बाद करे नहीं। कसारा घाट पहुंच चुके हैं, टोटल 245 किलोमीटर, सिर्फ 1.5 मिनट का ब्रेक लेके जो पैर टिकाया था मैंने, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हम, और ये बहुत ही तो आज तो टेस्ट कर रहे हैं हम खुद को, क्योंकि अभी धूप भी चटके लगना चालू हो गए, और आई थिंक कसारा घाट के बाद तो श्योर शॉट हम रुकेंगे। यानी का स्पीड पे कर लूँ ठोले थे,
मस्त नज़ारा लग रहा है यार। मेरे को ये ना ये मार्च का ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। धूप जब सर पे होती है ना, पब्लिक इतना कम रहता है रास्ते पे, आई डोंट नो व्हाट, एंड दैट इज़ व्हाट द दैट मेक्स यू योर जर्नी वेरी ब्यूटीफुल। नी डाउन करने का कोई इरादा नहीं है, नी डाउन के चक्कर में पूरी बॉडी डाउन हो गई तो 12 के भाव में जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, कोई भी नहीं रास्ते पे, वाह ब्यूटीफुल राइड यार। ओह ये जब हरा भरा रहेगा तो बहुत सही दिखेगा, बट हरा भरा रहने के बाद आई थिंक अक्टूबर, जब सितंबर रहता है ना, धूप आना चालू होती है और हरा भरा रहता है, वो टाइम सबसे बेहतरीन होता है ये सब देखने के लिए। बस यही एक ब्रेक लिया हमने और अभी यहाँ से निकल पड़े हैं हम। सो गाड़ी मैंने फुल टंकी कर दी थी, आई थिंक 13 लीटर कुछ बैठ गया था और मेरी गाड़ी अभी रिजर्व पे, आई मीन वो ब्लिंक होना चालू हुआ था, मुझे पता नहीं अभी उसमें कितना जाता है, मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर तो आराम से निकल जाती है और गाड़ी ऑलमोस्ट रन 299 किलोमीटर 300 किलोमीटर, सो कुछ 22 का एवरेज पकड़ लो। तो फाइनली रिकॉर्ड हो गया है मेरा खुद का पर्सनल रिकॉर्ड। मैं आपसे कब से बोल रहा था बार बार कि मैं रुकूंगा, रस पीऊंगा, रुकूंगा, ये करूंगा। मैंने सिर्फ एक जगह खड़े खड़े पानी बोतल उठाई, पानी पिया और फिर से निकल पड़ा विदाउट गेटिंग आउट ऑफ द बाइक। और मैंने 5 घंटा 15 मिनट में 384 किलोमीटर नॉन स्टॉप कवर किया और ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है जिस पे मुझे बहुत नाज है। जो भी है, आई मीन कभी कभी कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए सो दैट जिंदगी में आपके ऊपर एक हमेशा कुछ तो रहता ना, यार यार क्या कर दिया तूने वैसा टाइम। ठीक है, एडवाइजेबल भी नहीं है इतना करना बिकॉज यू फील टायर्ड एंड ऑल, बट जितने बहुत दिनों की जो भड़ास थी बाइक चलाने की वो पूरी निकल गई और मुझे एक्चुअली बिल्कुल टायर्ड लगा नहीं। और अभिलाष चांडक मेरे भाई, अगर तू देख रहा है तो हमेशा मेरे साथ टूर करता है, ये होता है देख, खाने का टाइम थोड़ा सा कभी कभी स्किप कर दिया ना तो यू कैन कवर लॉट ऑफ डिस्टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर गाइज, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने यहाँ तक देख लिया होगा। प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, बहुत मायने रखता है ये चीज़ें मेरे लिए। और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में जल्द ही, जो रिटर्न जर्नी होगी बट कुछ अलग करेंगे, डिफरेंट करेंगे, सो दैट आपको मज़े आएगी, मज़ा आएगा उस तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।